हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम फिर से आए हैं अपने नए टॉपिक के साथ, जो कि आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अपने इस टॉपिक के बारे में, जो कि अपना आपका बॉटनी से रिलेटेड है। सो आज का हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया ग्रैमिनस ट्रिटिसाई। ये आपका बॉटनी के सिलेबस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपका हर ईयर में, हर एग्जामिनेशन में 7.5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में पुट आउट किया जाता है। सो आज हम इसकी फुल लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार जान लेते हैं हम इसमें क्या क्या स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले हम जानेंगे इसका जनरल क्लासिफिकेशन, या इसको हम पोजीशन भी बोलते हैं। फिर इसका हैबिट और हैबिटेट कैसा होता है वो भी जानेंगे। फिर इसकी जो प्लांट बॉडी होती है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है ये भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम इसके अंदर रिप्रोडक्शन देखेंगे, किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। और कुछ ऐसी स्पेसीज होती हैं जो कि वीट प्लांट पे, यानी कुछ ऐसी रस्ट स्पेसीज होती हैं जो वीट प्लांट पे अटैक करती हैं और उससे इफ़ेक्ट करती हैं, और इसका इकोनॉमिकली क्या इफ़ेक्ट होता है ये भी हम जानेंगे। और इनमें स्पोर्स कितने टाइप्स के बनते हैं, टाइप्स ऑफ स्पोर्स, जैसे यूरोडोस्पोर, डीलियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, पिकनीडियोस्पोर, एसियोस्पोर, इसको हम बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट में, एट द लास्ट, हम इसका एक स्टेप वाइज क्लासिफिकेशन भी देखेंगे, एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। सो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले कदम की तरफ और डिस्कस करते हैं इसका क्लासिफिकेशन या पोजीशन। सो जनरल क्लासिफिकेशन देखेंगे हम पक्सिनिया ग्रैमिनस ट्रिटिसाई का। सो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डिवीज़न की। इसका डिवीज़न यू माइकोटा होता है। अच्छा, अगर आप किसी भी लिविंग स्पीसीज़ के या लिविंग ऑर्गेनिज्म के सभी जनरल कैरेक्टर्स जानना चाहते हैं तो उसकी डिवीज़न या उसकी क्लास के बारे में स्टडी कर लीजिए। तो उससे रिलेटेड जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे आपको उनके सभी के जनरल कैरेक्टर्स पता हो जाएंगे। सो इसका डिवीज़न होता है यू माइकोटा। इसकी क्लास होती है बेसिडियोमाइसिटीज, और इसकी सब क्लास होती है हेटरो बेसिडियोमाइसिटीज, ऑर्डर यूरे नेल्स, फैमिली पक्सिनिएसी, और जीनस होता है पक्सिनिया, और इसकी स्पेसीज होती है ग्रैमिनस। आपको अपने एग्ज़ाम में ये क्लासिफिकेशन मेंशन करना होगा और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी। एक बार हम फिर से देखते हैं, डिवीज़न यू माइकोटा, क्लास बेसिडियोमाइसिटीज, सब क्लास हेट्रोबेसिडियोमाइसिटीज, ऑर्डर यूरेडिनेल्स, फैमिली पक्सिनिएसी, और जीनस इसका पक्सिनिया, और ये स्पीसीज है ग्रैमिनस की। सो आई थिंक आपको समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका एक नॉर्मल व्यू देखते हैं। सो अगर आप पक्सिनिया का एक नॉर्मल व्यू देखते हैं वीट प्लांट पे, तो वो इस तरह से दिखता है, रेडिश ब्राउनिश कलर के स्पॉट्स दिखते हैं हमें। तो ऐसे ही इंडिया में पर ईयर जो ये पक्सिनिया ग्रैमिनस ट्रिटिसाई है, ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक वेस्ट करता है वीट का। तो हमारे जो इंडिया में पर ईयर 40 to 60 lakhs का क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी इंडिया का जो वीट क्रॉप है उसमें 1 to 10% इस पक्सिनिया ग्रैमिनस ट्रिटिसाई के थ्रू डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और अगर हम देखें तो इसका एक इकोनॉमिक बहुत ही ज़्यादा, मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है ये। तो आगे हम देखेंगे इसका एक और नॉर्मल व्यू। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो पक्सिनिया ग्रैमिनस होता है ये अपनी लिविंग साइकिल टू होस्ट पे कंप्लीट करता है। एक तो होता है वीट प्लांट या वीट क्रॉप का प्लांट, और एक होता है बारबेरी प्लांट। तो बारबेरी प्लांट आप देख सकते हैं कि इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर पक्सिनिया की शो होती है। एक सेकेंड मैं आपको, ये देखिए जो ये स्पॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये एक बारबेरी लीफ है। और बारबेरी लीफ के ऊपर ये देखिए कि इधर ये छोटे छोटे से स्पॉट्स दिख रहे हैं, तो ये स्पॉट्स उस पर क्रिएट हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगर हम इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो कुछ इस तरह से हमें शो होता है पक्सिनिया ग्रैमिनस ट्रिटिसाई। सो आप इसको एक बार ध्यान से देखें, ब्राउनिश रेडिश कलर का है, और आई थिंक आपको शो हो रहा होगा, पूरा समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इसका आगे की प्रोसेस। सो हमारा अब टॉपिक है इंट्रोडक्शन, या इसका हैबिट और हैबिटेट क्या होता है, इसके बारे में हम फुली डिटेल में डिस्कस करेंगे। और चलिए जानते हैं कि क्या होता है इसमें।
जो पक्सीनिया है वो एक तरह का फंगस है, जिसकी जो पॉपुलर स्पीसीज होती है उन्हें रस्ट फंगस या रस्ट के नेम से जानते हैं, और ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है, माय डियर फ्रेंड्स, दो तरह के पैरासाइट होते हैं, एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं और एक फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं। एक सेकंड मैं आपको शो करती हूँ और दिखाती हूँ। देखिए, जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं वो अपने होस्ट पर रहते हैं, और उसी जब अगर उनके होस्ट की डेड होती है, डेथ होती है, तो उनकी भी डेथ हो जाती है। एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ, शो करती हूँ, अभी देखिए। सो आई थिंक आपको दिख रहा होगा, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं इमेज में। तो देखिए, इसमें एक कॉमन डिफरेंस मैं बता रही हूँ। देखिए, कुछ पैरासाइट जो होते हैं वो ऑब्लिगेट होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो पैरासाइटिकली अपने होस्ट बॉडी पे रहते हैं, और जब होस्ट की डेथ होती है तब वो भी उसी के साथ मर जाते हैं। और जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं उनमें बहुत कम में ही जो बोल सकते हैं लोकोमोशन होता है, और जो कुछ तरह के फंगस होते हैं वो फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं। फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब है कि उनके होस्ट की डेथ हो गई, लेकिन फिर भी वो किसी के साथ, मान लीजिए किसी के भी साथ, अपनी लिविंग थिंग को, अपनी लिविंग हुड को बना सकते हैं और अपने आप को आगे जिंदा रख सकते हैं। जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा, सम फंगाई आर फैकल्टेटिव पैरासाइट सिंस दे कैन कंटिन्यू टू फीड सेप्रोफाइटिकली वंस देयर होस्ट हैज डाइड, और फीवर फैकल्टेटिव पैरासाइट्स हैव इवॉल्व एज दे मस्ट फॉर्म कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम टू डिटेक्ट टेक इन द डाइजेस्ट फूड सॉरी एंड डाइजेस्ट फूड। वो फूड को अंदर लेते हैं और डाइजेस्ट करते हैं, और नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, डिसएडवांटेज टू ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये एक तरह से बोल सकते हैं कि फैकल्टेटिव पैरासाइट जो हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट के एडवांटेज होते हैं। सो आई थिंक आपको सही से समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। बस आप अपने ध्यान में इतना रखिए कि ऑब्लिगेट पैरासाइट वो होते हैं जो अपने होस्ट के ऊपर पैरासाइटिकली रहते हैं, और जब होस्ट की डेथ होती है तब उनकी भी डेथ हो जाती है, वो ग्रो नहीं कर पाते अपने आप को। लेकिन जो फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं वो अपने आप को ग्रो कर लेते हैं, अगर उनका, मान लीजिए उनके होस्ट की डेथ भी हो गई, तब भी वो अपने आप को नेचुरल सिलेक्शन में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, और अपने फूड को अंदर भी ले सकते हैं, अपने फूड को डाइजेस्ट कर सकते हैं, और बहुत सारी कॉमन फिजिकल एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। सो जो पक्सीनिया नेम है वो एक साइंटिस्ट थे, इटालियन बोटेनिस्ट, जिनका नाम था टी पक्सीनिया, उसके नेम से रखा गया है। और जो पक्सीनिया है ये बहुत ही लार्ज जीनस है, इसकी हमें लगभग 1800 स्पीसीज जो है वो नोन है। और जो अटैक करती हैं वीट पे, जो रस्ट, उनमें मेनली तीन टाइप्स रखे गए हैं। एक जिन्हें बोलते हैं ब्लैक और स्टेम रस्ट, जिसका पक्सीनिया ग्रैमिनस ट्रिटिसाई है, जो कि हमारे सिलेबस में है स्टडी करने के लिए। और जो सेकेंड है हमारा येल्लो, और स्ट्रिप रस्ट भी कहते हैं इसे, जिसे पक्सीनिया स्ट्रिफॉर्मिस कहते हैं। फिर थर्ड है हमारा ब्राउन और ऑरेंज लीव रस्ट, जिसे हम पक्सीनिया रेकोनिडिटा कहते हैं। और जो पक्सीनिया की स्पीसीज़ हैं वो सीरियल क्रॉप्स, जैसे कि हमारा वीट हो गया, वार्ली हो गया और मेज़ हो गया, इन सब में डिसीज़ कॉज करते हैं। सो आई थिंक आपको इनका इंट्रोडक्शन समझ में आया, जनरल कैरेक्टर समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक हमारा। जो पक्सीनिया ग्रैमिनस ट्रिटिसाई है, इसकी ये सबसे ज़्यादा नोन स्पीसीज है हमारे इसमें, एक सेकेंड, पक्सीनिया ग्रैमिनस ट्रिटिसाई, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, इस तरह ये ब्राउनिश रेडिश कलर की दिखती है, इसी के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। जो पक्सीनिया ग्रैमिनस ट्रिटिसाई है ये हेट्रोसियस फंगस होती है। हेट्रोसियस फंगस का मतलब ये अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसके अंदर टू होस्ट होते हैं, कौन कौन से, पहला तो होता है वीट प्लांट और दूसरा होता है बारबेरी प्लांट। वीट प्लांट का बोटैनिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिबम है इधर, और बारबेरी प्लांट का बोटैनिकल नेम बारबेरिस बुल्गैरिस है। सो आई थिंक यू मे अंडरस्टैंड ऑल वेल। सो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक हमारा। सो अब हम डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बॉडी के बारे में, इसकी जो प्लांट बॉडी है ये कैसी होती है, और
इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सभी चीज़ों को हम जानेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इनकी जो बॉडी होती है वो वेल डेवलप्ड होती है। इसका मतलब है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, जितने भी इनके अंदर, मान लीजिए इनकी सेल जो हमारी एक वेल डेवलप्ड सेल होती है, उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं वो सभी के सभी इनके अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। इंटरसेलुलर होते हैं, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, आई के बाद एन आएगा, आई एन टी ई आर सी ई डबल एल यू एल ए आर, ये होगी इसकी। और इंटरसेलुलर का मीन्स होता है, इंटरसेलुलर का मतलब होता है कि बिटवीन टू सेल्स, बिटवीन टू सेल्स जो जितने भी मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज़ होते हैं वो इनमें होते हैं। और इंट्रासेलुलर का मतलब होता है कि एक ही सेल के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज़ होते हैं। अब ये क्या, इनके अंदर ब्रांच और मल्टी सेलुलर माइसीलियम होता है। माइसीलियम का क्या मीन्स होता है, मान लीजिए किसी की भी बॉडी स्ट्रक्चर है, कोई भी फंगस होता है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है, जिन्हें हम हाइफी कहते हैं, और बहुत सारे हाइफी मिल करके बनाते हैं माइसीलियम। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा माइसीलियम किसे कहते हैं। अब इनकी बॉडी के ऊपर फिंगर लाइक हॉस्टोरिया जो होते हैं वो होस्ट के सेल के अंदर एंटर करते हैं और नरिशमेंट लेते हैं उसके अंदर से और अपने आप को डेवलप करते हैं। तो जो बेसिडियोपोर्स और पिग्निडियोस्पोर्स होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएट, यानी उनके अंदर एक न्यूक्लिएट पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है एन, और जो मान लीजिए बाकी के जो बचे हुए हैं तीन, वो बाई न्यूक्लिएट होते हैं, उनके अंदर टू एन न्यूक्लियस पाए जाते हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं सभी के सभी स्ट्रक्चर्स के बारे में। स्पोर्ट्स, टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हम एक बार इसका रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन में मेनली देखिए क्या होता है, ये स्पोरुलेशन के थ्रू मान लीजिए रिप्रोड्यूस करते हैं। तो स्पोरुलेशन का क्या मतलब होता है, इनके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता है और ये जो अपनी लाइफ साइकिल है वो टू होस्ट में कंप्लीट करते हैं। पहला जो होता है वो वीट क्रॉप होता है और जो सेकंड होता है वो बारबेरी लीफ होता है। जो इनकी लाइफ साइकिल है वो मैक्रोसाइक्लिक होती है। मैक्रोसाइक्लिक का मतलब है इसमें बहुत सारे स्टेजेस प्रेजेंट होते हैं या बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और ये पॉलीमॉर्फिज्म को शो करते हैं। यही बहुत सारी स्टेजेस को शो करना, इसी प्रोसेस को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और इनकी जो लाइफ है वो पैरासाइटिक होती है वीट प्लांट के ऊपर, और ये यूरोडोस्पोर्स बनाते हैं और टेलियोटोस्पोर वीट प्लांट के ऊपर बनाते हैं, और सेप्रोफाइटिक होती है सॉइल पर जहाँ पर बेसिडियोस्पोर बनाते हैं, और पैरासाइटिकली रहते हैं बारबेरी प्लांट पर जहाँ पर ये पिग्निडियोस्पोर और डाइस्पोर बनाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आओगा। एक बार इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, मैं आपको शो करती हूँ पूरा फुल। सो देखिए, सबसे पहले वीट क्रॉप में यूरेडिनियम बना, जो पहला स्पोर होता है, स्पोर से जो मान लीजिए माइसिलियम से जो स्ट्रक्चर निकलेंगे, स्पोर निकलेंगे, उसे यूरेडिनियम कहेंगे। फिर यहाँ से यूरेडिनोस्पोर, फिर बन करके इधर देखिए टीलियम, फिर कैरियोगेमी से टीलियोस्पोर बने, फिर मियोसिस हुआ, फिर मियोसिस के बाद इधर पिक्निडियोस्पोर, फिर बारबेरी से रिसेप्टिव हाइफा, फिर उसके बाद एसियोस्पोर बन गया। बार बार वही स्ट्रक्चर चलती रहती है और बार बार साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरह ही अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें मेनली फाइव स्पोर रिप्रेजेंट होते हैं, सबसे पहले यूरिडोस्पोर, फिर टेलियोटोस्पोर, फिर बेसिडियोस्पोर, फिर पिक्निडियोस्पोर और फिर डाइस्पोर या एसियोस्पोर से कहते हैं। सो चलिए हम उसके बारे में फुल्ली डिटेल में डिस्कस करते हैं और जानते हैं। एक बार वीट से होने वाले सारे डिसीजेस के बारे में आप जान लीजिए। तो देखिए, इससे मेनली कॉज होते हैं रस्ट डिसीजेस, जिसमें ब्लैक और स्टेम रस्ट, पक्सीनिया ग्रैमिनिस्टिटिसाई, मैंने पहले भी बताया, लीफ और ब्राउन और ऑरेंज रस्ट भी कहते हैं, जो कि पक्सीनिया ट्रिटिसिना इल्केस से कॉज्ड होता है, और येलो और इसे स्ट्राइप रस्ट भी कहते हैं, जो कि पक्सीनिया स्टेरी फॉर्मेस से होता है, और फाउंड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितनी भी पूरे वर्ल्ड में ये सारी की सारी स्पीसीज पाई जाती हैं। और मैंने अभी बताया था कि इंडिया में 40-60 लाख पर ईयर हम अपनी वीट क्रॉप का 1-10% लॉस कर देते हैं पर ईयर बाय द
इसी से रस्ट डिसीज़ से, वैक्सीनिया ग्रैमिनस ट्रिटिसाई से। तो आई थिंक आपको समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स में मेनली फाइव टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं। सो सबसे पहला होता है यूरोडो स्पोर्ट, जिसे हम यूरोडियो स्पोर्ट्स भी कहते हैं या यूरेडिनियो स्पोर्ट्स भी कहते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम बहुत सी जगह पे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी पहले कंफ्यूज हो जाती थी, सो इसीलिए मैंने सभी एक ही तरह से सही से डिस्कस कर क्रिएट किया और सभी के सभी नेम्स को एक जगह पे लिख लिया। तो सबसे पहले होता है यूरोडो स्पोर्ट्स, जिसे हम यूरोडियो स्पोर या यूरेडिनियो स्पोर्ट्स भी कहते हैं। फिर नंबर सेकंड में आता है हमारा टीलियो स्पोर। अब टीलियो स्पोर को टीलियोटो स्पोर्ट्स भी कहते हैं। और नंबर थर्ड आता है बेसिडियो स्पोर, जिसे हम स्पोरिडिया भी कहते हैं। नंबर फोर्थ आता है पिकनीडियो स्पोर, जिसे हम पिकनियोस्पोर्स भी कहते हैं या पिकनोस्पोर्स भी कहते हैं या अपरमेशिया भी कहते हैं। और नंबर फिफ्थ आता है एसियोस्पोर, जिसे हम एसिडियोस्पोर भी कहते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आया। एक बार इसमें मैंने डायग्राम में शो किया, सबसे पहले यूरोडोसोरस से यूरोडोस्पोर, फिर टीलियोसोरस से टीलियोस्पोर, फिर इधर प्रोमाइसिलियम बना, फिर उसके बाद इधर पिकनीडियोस्पोर और फिर उसके बाद एसियोस्पोर, और फिर यही साइकिल चलती रहती है, जिसके बारे में मैं अभी आगे डिस्कस करूँगी, सभी को डीपली सही से आपको समझाऊँगी, अंडरस्टैंड कराऊँगी। सो इसमें मैंने एक डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया ग्रैमिनस ट्रिटिसाई को शो किया है। इस डायग्राम को आप ध्यान से देख लीजिए। सो हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले आता है हमारा यूरेडोस्पोर। तो जो यूरेडोस्पोर होता है, ये प्राइमरी होस्ट में पाया जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो पक्सिनिया ग्रैमिनस ट्रिटिसाई है, ये अपनी लाइफ साइकिल टू होस्ट में कंप्लीट करता है। पहला जो होता है वो वीट क्रॉप होता है, और जो सेकेंडरी होता है वो बारबेरी लीफ होता है। तो जो यूरेडोस्पोर है, ये प्राइमरी होस्ट में पाया जाता है। और जो यूरेडोस्पोर होते हैं, वो स्टार्क्ड होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, राउंडेड होते हैं, बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं। और स्पोर जो है वो अर्ली समर में प्रोड्यूस होते हैं। तो मान लीजिए ये समर के सीज़न में अपने स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। और जो यूरोडोस्पोर होते हैं, वो एसियोस्पोर से या एसिया से बनते हैं, जो कि अल्टरनेट होस्ट पे मिलता है इन्हें। अब ये जो मान लीजिए ये यूरोडोस्पोर बने, ये अटैक करते हैं लीफ या स्टेम पे। अब माइसिलियम जो होता है, वो नंबर ऑफ रेडिश ब्राउनिश, इधर ऐसे करके रेडिश ब्राउनिश कलर के जो अपर सरफेस होता है लीफ का, उस पर प्रोड्यूस करते हैं पोस्ट्यूल्स, छोटे छोटे पोस्ट्यूल को प्रोड्यूस करते हैं। और जो भी पोस्ट्यूल होता है, वो ग्रुप ऑफ यूरोडोस्पोर होता है। जो यूरोडोसोराई होते हैं या यूरोडोसोरस होते हैं, वो ग्रुप ऑफ यूरोडोस्पोर्स होते हैं, उन्हें ही पोस्ट्यूल कहते हैं। पोस्ट्यूल को ही यूरोडोस्पोर कहते हैं। आई थिंक आपको डायग्राम में सही से शो हो रहा होगा। एक बार मैं आपको सभी चीज़ें शो करती हूँ। सो इसमें देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि जो मान लीजिए प्लांट की लीफ पे आ करके कोई एशिया आया, उसने उसको फर्टिलाइज किया, फिर एसियोस्पोर से यूरोडोस्पोर बन गया। अब जब यूरोडोस्पोर बन गया, उसके बाद क्या होती है, जो एपिडर्मिस होती है होस्ट प्लांट की, वो बस्ट का मतलब फट जाती है, और वहाँ से छोटे छोटे यूरोडोस्पोर्स होते हैं वो लिबरेटेड आउट यानी बाहर आ जाते हैं, और वाइंड के थ्रू जो और भी प्लांट्स हैं, और भी फ्रेश प्लांट्स हैं या अच्छे प्लांट्स हैं, उनको अटैक कर देते हैं उन पर, और उनको भी इन्फेक्ट कर देते हैं। अब क्या होता है, जो यूरोडोस्पोर्स होते हैं वो स्टोमा के थ्रू अंदर घुसते हैं, जो प्लांट बॉडी होती है दूसरी, और डाइकैरियोटिक माइसिलियम को फॉर्म कर लेते हैं, जो कि यूरोडोस्पोर बना लेता है छः से लगभग 10 दिनों में। सो ये देखिए यूरोडो पोस्ट्यूल्स हैं, ये आपको शो हो रहे होंगे इधर। ये स्टार्क होता है इसका, और ये बॉडी है ऊपर, इधर न्यूक्लियस है, और ये देखिए इधर होस्ट एपिडर्मिस थी है, और ये यूरोडोस्पोर है जो कि बाई न्यूक्लिएट है टू एन
और ये क्यूटिकल है, जो फर्स्ट लेयर होती है उसे क्यूटिकल कहते हैं, और जो ये है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है ये हाइफी है। सो आई थिंक आपको समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला इसको डिस्कस करते हैं। आपके एग्जाम्स में जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको इसका फुल डायग्राम भी शो करना होता है। आपको थ्योरेटिकल से ज़्यादा अपने डायग्राम्स को ध्यान में रखना है, और अगर आप डायग्राम अच्छा बनाते हैं तो आपका थ्योरेटिकल भी बहुत ही अच्छा टीचर समझता है। सो आई थिंक आपको एक बार इस डायग्राम को ध्यान से देखना चाहिए, ये आपके लिए मे बी हेल्पफुल रहेगा। सो एक बार हम फिर से डायग्राम को समझ लेते हैं। ये देखिए रप्चर एपिडर्मिस है। रप्चर एपिडर्मिस का मतलब जो स्पोर्स थे वो बाहर निकलने के लिए जो होस्ट की एपिडर्मिस होती है उसे मान लीजिए फाड़ देते हैं, हटा देते हैं, तो उसे रप्चर्ड कहते हैं। फिर यहाँ से ये यूरिडोस्पोर्स हैं जो कि बाहर आएंगे, और ये इनकी स्टाक होती है। ये देखिए अंदर की जो लेयर होती है ये इस तरफ में, इसे कहते हैं इंटाइन, और ये जो एक पोर्स यहाँ पे पोर यहाँ पे होता है उसे हम जर्म पोर कहते हैं, और जो बाहर ये स्ट्रक्चर दिख रही है इसे कहते हैं एग्जाइन, और ये वाली इसे कहते हैं बॉडी, और ये जो ये लंबी से स्ट्रक्चर है इसे स्टाक कहते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आया, और अपने एग्ज़ाम में आप डायग्राम का खास ध्यान रखिएगा। सो हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। सो देखिए अब हमारा अगला है टेलियोटोस्पोर, ही ऐसे टेलियोस्पोर भी कहते हैं। सो हम डिस्कस करेंगे टेलियोस्पोर के बारे में। सो जो टेलियोस्पोर होता है वो लेट समर में हमें शो होते हैं। टेलियोस्पोर्स ऐसा होता है जो यूरिडिनियोस्पोर्स या यूरिडोस्पोर्स होते हैं वो ठंडियों के सीज़न में नहीं ग्रो कर पाते हैं, तो तब फॉर्म होता है टेलियोस्पोर। अब देखिए यूरिडोस्पोर और टेलियोस्पोर में क्या डिफरेंस है। जो यूरिडोस्पोर्स होते हैं वो रेडिश ब्राउनिश कलर में होते हैं, लेकिन जो टेलियोस्पोर होते हैं वो ब्लैकिश होते हैं कलर में, ब्लैक कलर में होते हैं। और इनके अंदर ये देखिए दो न्यूक्लियस, इनके अंदर भी दो न्यूक्लियस होते हैं, इनके अंदर भी दो न्यूक्लियस होते हैं, बट इनके न्यूक्लियस के बीच में इधर देखिए ये सेप्टा प्रेजेंट होता है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो कि इनके न्यूक्लियस को बराबर अलग अलग भागों में बांटती है, बट इनका जो दोनों के दोनों न्यूक्लियस होते हैं वो एक ही सेल में पड़े हुए होते हैं। सो इनके अंदर क्या होता है कि डाइकैरियोटिक माइसीलियम होता है जो कि टेलियोटोस्पोर्स को राइज करता है। अब क्या होता है कि विंटर के वेगनिंग सीज़न में जो टेलियोटोस्पोर हैं ये फॉर्म होते हैं, और इन्हें हम विंटर स्पोर्स भी कहते हैं। ये ब्लैक स्ट्रिक्स होते हैं, स्ट्रिक्स का मतलब है कि पोस्ट्यूल्स या छोटे छोटे स्ट्रक्चर, और ये लीव सिथ या स्टम पे प्रोड्यूस होते हैं। सो आई थिंक यू मे अंडरस्टैंड। अब आगे देखते हैं। सो देखिए जो टेलियोटोस्पोर्स होते हैं ये बाईसेल्ड होते हैं, बाईसेल्ड का मतलब है कि टू सेल्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग, और स्टाक होते हैं और बाई न्यूक्लिएट होते हैं। और टेलियोटोस्पोर्स जो होते हैं वो एपिडर्मिस के ब्रेकिंग आउट से ग्रो करते हैं या बाहर आते हैं, लेकिन ये वीट प्लांट पे अटैक नहीं करते हैं। जब भी हवा चलती है या कुछ भी वाइंड के जरिए कोई इंसेक्ट के जरिए ये अपने बारबेरी प्लांट पे यानी सेकेंडरी होस्ट पे पहुंच जाते हैं। सो जो दो न्यूक्लियाई होते हैं वो टेलियोटोस्पोर को फ्यूज़ करते हैं और डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाते हैं, और जो बचे हुए रिमेन डोरमेंट हैं जो सॉइल में बचते हैं वो स्प्रिंग सीजन तक मतलब स्टार्टिंग में स्प्रिंग सीजन के दूसरे होस्ट पे चले जाते हैं। मान लीजिए पहले यूरिडोस्पोर बना, अब यूरिडोस्पोर बनने के बाद टेलियोटोस्पोर बनेगा और वो नीचे सॉइल में गिर जाएगा, और सॉइल में गिरने के बाद वो ग्रो अप करेगा, और ग्रो अप करने के बाद जब मान लीजिए स्टार्टिंग होगी स्प्रिंग सीजन की तब वो अपने सेकेंडरी होस्ट पे यानी बारबेरी प्लांट पे चला जाएगा। सो हम आगे देखते हैं आगे क्या है। सो जैसा कि आपको इस डायग्राम में शो हो रहा होगा कि टेलियोटोस्पोर बने, अब क्या होता है कि टेलियोटोस्पोर बनने के बाद जब स्टार्टिंग
ऑफ स्प्रिंग सीजन आता है तब इसमें दो तरह के स्ट्रेन बनते हैं, एक पॉजिटिव स्ट्रेन बनते हैं कुछ और कुछ नेगेटिव स्ट्रेन बनते हैं। अब क्या होता है, वाई बाइंड या कोई भी वाहक होना चाहिए इनका, कोई भी कैरियर के थ्रू ये बारबेरी प्लांट पे जाते हैं और वहाँ पे जाके पॉजिटिव वाले स्ट्रेन जो होते हैं वो नेगेटिव वाले स्ट्रेन को फर्टिलाइज करते हैं और वहाँ पर जो वेसिडियो पोर्स होते हैं उन्हें फॉर्म कर लेते हैं। सो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्टेज के बारे में। सो सबसे पहले हमने डिस्कस किया यूरिडियोस्पोर के बारे में, फिर हमने डिलियोटोस्पोर पढ़ा, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे पिकनीडियोस्पोर। अब ये बारबेरी प्लांट के ऊपर पहुंच के अपनी लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाएगा और पिकनीडियोस्पोर का फॉर्म करेगा। सो जो फ्लेक्सस हाइफी होते हैं या पिकनीडियोस्पोर होते हैं, ये पिकनीडियम जो होते हैं बिलोंग करते हैं वन स्ट्रेन से, क्योंकि ये फॉर्म होते हैं जर्मिनेशन ऑफ सिंगल बेसिडियोस्पोर से। जो बेसिडियोस्पोर बने थे, एक पॉजिटिव स्ट्रेन वाला एक नेगेटिव स्ट्रेन वाला, उसमें ये आपस में फ्यूज़ करके फॉर्म होते हैं पिकनीडियोस्पोर। अब जो पिकनीडियोस्पोर हैं वो इसमें एक पॉजिटिव स्ट्रेन यानी स्पर्मेशिया है वो लिबरेटेड होगा और डिस्पर्स्ड होगा बाइंड से और सेकेंडरी जो होस्ट है उस पर जाके फर्टिलाइज कर लेंगे। जो पिकनीडियोस्पोर है वो ट्रांसफर्ड होते हैं अपोजिट स्ट्रेन से, बाय इंसेक्ट से भी हो सकते हैं, बाइंड से भी हो सकते हैं, कोई भी इनका कैरियर हो सकता है। सो जो कॉन्टैक्ट में जहाँ पर आएंगे उसे स्पर्मेटियम या फ्लेक्सस हाइवी और वॉल्स जो होंगे वो डिसॉल्व हो जाएंगे। जहाँ पे मान लीजिए ये सेकेंडरी होस्ट पे गए, वहाँ पे इन्होंने जाकर फ्यूज़ किया, अब फ्यूज़ करने के बाद जो वॉल होगी वहाँ की, जो सेकेंडरी होस्ट की जो एपिडर्मिस होगी वो डिसॉल्व हो जाएगी और ये अंदर जाके फर्टिलाइज कर लेंगे और पिकनीडियोस्पोर बना लेंगे। सो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर एक डायग्राम शो किया है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, ये देखिए स्पोर है और यहाँ से ये जर्म ट्यूब है और ये एपर्सोरियम है, इधर ये एपिडर्मिस ऑफ होस्ट है और यहाँ पे क्या हुआ कि पेनिट्रेशन हो गया ये हाइफा का और यहाँ पे क्या बोलते हैं मदर हॉस्टेलियर या हॉस्टेलियर मदर सेल्स थे या होस्ट सेल थे और फर्टिलाइज हो जाएगा यहीं पे आकर के। सो आई थिंक समझ में आया होगा, ये हॉस्टेरियम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला। सो देखिए जो पिकनीडियोस्पोर होते हैं वो स्पर्मेशियम से जो क्या बोलते हैं उन्हें ट्रांसफर्ड हो जाते हैं, कहाँ तक, फ्लेक्सस हाइफा तक, और जो टू न्यूक्लियाई होते हैं अपोजिट स्ट्रेन के वो अपने आप को आपस में फॉर्मिंग कर लेते हैं या डाइकैरियन आपस में अपने आप को फ्यूज़ कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम डाइकैरियोटाइजेशन कहते हैं या स्पर्मेटाइजेशन ऑफ डाइकैरियोटाइजेशन। सो इधर देखिए आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा ये स्पर्मेटोफोर्स बने, इसमें हमने शो किया है कि डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटियम, कैसे स्पर्मेटियम का डेवलपमेंट होता है और ये हमारा रिसेप्टिव हाइफा है, जो सेकेंडरी होस्ट का कोई भी हाइफा हो वो रिसेप्टिव हाइफा है। ये देखिए ये स्पर्मेटियम बना, इधर स्पर्मेटियोफोर है और उसके बाद ये रिसेप्टिव हाइफा पे जाकर के फ्यूज़ कर लेंगे। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो देखिए जो बारबेरी प्लांट होता है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से शो होती है। आपने अपने आसपास या गार्डन्स में देखा होगा बारबेरी प्लांट्स कुछ इस तरह का ही शो होता है। मैंने आपको जानकारी देने के लिए इसमें इमेज शो करी है। सो आई थिंक आपको सही से समझ में आ रहा होगा, तो एक बार हम ध्यान से देखते हैं पहले। सो सबसे पहले हमारा बना था यूरिडियोस्पोर्स, उसके बाद बना हमारा टिलियोस्पोर, उसके बाद बना हमारा पिकनीडियोस्पोर। अब पिकनीडियोस्पोर के बाद नहीं, उसके बाद हमारा बेसिडियोस्पोर बना था, फिर पिकनीडियोस्पोर। अब देखते हैं पिकनीडियोस्पोर के बाद क्या होता है, ये बारबेरी प्लांट पर आकर के अपने आप को फ्यूज़ करेंगे और डेवलप करेंगे। अब हमारा लास्ट है एसिडियोस्पोर, इसे एसिडियोस्पोर भी कहते हैं और ये जो है बारबेरी के प्लांट पर अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे एसिडियोस्पोर के बारे में।
सो मेरे प्यारे दोस्तों, जो एसिडियोस्पोर होता है ये बारबेरी के प्लांट पर ये स्टेज होती है, और ये बाई न्यूक्लियोट होते हैं, यानी इसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। कैसे? जब स्पर्मेटाइजेशन होता है तो एक पॉजिटिव स्ट्रेन वाला और नेगेटिव स्ट्रेन वाला जो न्यूक्लियस होते हैं आपस में फॉर्म कर लेते हैं, इसीलिए ये बाई न्यूक्लिएट हो जाते हैं। और ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम पक्सिनिया का जो होता है उसे डिवाइड होते हैं और उसको फॉर्म करते हैं, डिवाइड हो करके फॉर्म करते हैं डाइकैरियोटिक माइसीलियम ऑफ पक्सिनिया। तो जो माइसीलियम होता है वो एसिडियोस्पोर को फॉर्म करता है, जिसे हम एशियल कप भी कहते हैं। कहाँ पर? जो बारबेरी लीफ है इस तरह से स्ट्रक्चर होती है उसके लोअर सरफेस पे ये है, प्रोड्यूस करता है एशियल कप को। सो जो एशियल कप होता है वो सराउंडेड होता है कि स्टेराइल हाइफी से, जिसे हम पेरिडियम कहते हैं। सो इसमें देखिए, ये रिसेप्टिव हाइफा, पिग्मीडियोस्पोर और स्पर्मेशिया जिसे हम बोल सकते हैं, और एसिडियल कप ये रहा, और यहाँ से एसियोस्पोर्स बन गए। सो अब ये देखिए, इसमें बी वाले में बताया गया है मोड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एसिडियोस्पोर, जिसमें इंटरकैलेरी या स्टेराइल सेल्स होते हैं ये, और एसिडियोस्पोर्स इन्हें कहते हैं, और ये स्टार्क प्रेजेंट होती है। सो हम आगे देखते हैं। अब देखिए, जो एसिडियोस्पोर होता है ये कप के मिडल में एक डायकैरियोटिक माइसीलियम को फॉर्म करता है, जो कि इरेक्ट हाइफी होता है, जिसे हम कहते हैं स्पोरोफोर। जो कि हर स्पोर होता है, स्पोरोफोर, वो बाई न्यूक्लिएट स्पोर को फॉर्म करता है, जिसे हम एसिडियोस्पोर कहते हैं, जो कि स्मॉल होते हैं, स्टेराइल होते हैं, और इंटरकैलरी सेल्स होती हैं जिनमें प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम डिसजंक्टर सेल्स भी कहते हैं। इधर इंटरकैलरी सेल्स या डिसजंक्टर सेल्स इधर आपको शो हो रही होंगे, ये देखिए, इधर ये एसिडियोस्पोर, ये और ये बेसल सेल्स हैं, ये मिडल ऑफ द इधर कप से फॉर्म हुई हैं। सो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, जो एसिडियोस्पोर होता है वो एपिडर्मिस जो होस्ट का होता है, मैंने भी बताया था कि बारबेरी लीफ है उसकी लोअर सरफेस से प्रोड्यूस होते हैं, जो लोअर सरफेस होता है वो ब्रेकिंग ऑफ होता है और क्या होता है, लिबरेटेड आउट हो जाते हैं एसिडियोस्पोर। लिबरेटेड आउट का मतलब है कि बाहर आ जाते हैं। अब एसिडियोस्पोर जो होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं आकर के वीट प्लांट पे। अब मान लीजिए, ये जो इसकी लाइफ साइकिल है बक्सिनिया की, ये टू होस्ट पे कंप्लीट होती है। अब मान लीजिए, अगर इसको दूसरा होस्ट नहीं मिला तो ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकता है। सो इसीलिए इसको अपनी पूरी लाइफ साइकिल करने के लिए टू होस्ट की नीड होती है। सो अब देखिए क्या होता है, जो एसिडियोस्पोर जो होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं वीट प्लांट पे, और डाइकैरियोटिक माइसीलियम फिर से बना लेते हैं, जिसे जो कि जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम होता है वो यूरिडियोस्पोर को प्रोड्यूस करता है 10 से 12 दिनों के अंदर। सो आई थिंक आपको पूरा सही से समझ में आया। एक बार हम इसका ब्रीफ स्टेप वाइज क्लासिफिकेशन देख लेते हैं और सही से अंडरस्टैंड करते हैं। सो देखिए, सबसे पहले डाइकैरियोटिक एसिडियोस्पोर था जो कि जर्मिनेट हुआ वीट पे। सबसे पहले डाइकैरियोटिक एसिडियोस्पोर जर्मिनेट हुआ वीट पे और उसने बनाया यूरिडियोस्पोर। फिर यूरिडियोस्पोर के बाद स्टेप टू आया हमारा। स्टेप टू में क्या हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिडियोस्पोर्स एंड यूरिडियोस्पोरस, या जिसे हम रेड रस्ट स्टेज भी बोल सकते हैं, बनाइए। उसके बाद क्या हुआ कि फॉर्मेशन हुआ टीलियोस्पोर का, या टीलियोटोस्पोरस भी कहते हैं, जिसे हम ब्लैक रस्ट स्टेज के नाम से जानते हैं। जो टीलियोटोस्पोरस था वो हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर बनाएगा, जैसा कि अभी मैंने आपको डायग्राम में शो किया था। एक पॉजिटिव बनेगा स्ट्रेन और एक नेगेटिव बनेगा स्ट्रेन। फिर उसके बाद क्या होगा कि बेसिडियोस्पोर जो होगा वो जर्मिनेट करेगा जाकर के बारबेरी के प्लांट पे, जहाँ पर पाइसिनिया या पाइसिनियोस्पोर्स, पिकनियोस्पोर्स भी बोलते हैं हम, पिकनियोस्पोर ही बोलते हैं एक्चुअल में, जो कि बनेंगे रिसेप्टिव हाइफी पर। अब क्या होगा, जो पिकनियोस्पोर्स हैं वो स्ट्रेन
कम होंगे, कॉन्टैक्ट में आएंगे और रिसेप्टिव हाइपी पे स्टैंड फॉर्मिंग करेंगे डाइकैरियोटिक हाइफा का, जो अपर साइड ऑफ द लीफ होगा, और जो हाइफा होगा वो फॉर्म्स करेगा डाइकैरियोटिक एसिडियोस्पोर्स का ऑन एसिडियल कप या लोअर साइड ऑफ लीफ पर। सो आई थिंक आपको पूरा समझ में आया। सबसे पहले यूरिडोस्पोर्स, यूरिडोस्पोर्स के बाद टिलियोटोस्पोर, टिलियोटोस्पोर्स के बाद बेसिडियोस्पोर, अब बेसिडियोस्पोर के बाद पिकनीडियोस्पोर, और पिकनीडियो के बाद फिर से एशिया फॉर्म होगा या एसिडियोस्पोर फॉर्म होगा, और फिर से वही लाइफ साइकिल चलती रहेगी। सो आई थिंक आपको सही से समझ में आया, ये वीडियो मेरा हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। आगे देखते हैं हम, एक बार इस डायग्राम को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। सो आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा काफ़ी। सो देखिए, इस डायग्राम में सबसे पहले ये बताया गया समर सीजन में यूरिडोस्पोर, फिर समर सीजन के बाद टिलियोटोस्पोर स्टेम पे जो कि ग्रो करते हैं, जहाँ पे ये देखिए यूरिडिया ऑन स्टेम, यहाँ पर ये असेक्सुअल समर साइकिल है या असेक्सुअल साइकिल है जो कि समर में होती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि टिलियोस्पोर बना जो कि विंटर में बनता है, और इसके अलग अलग ये देखिए सेप्टेट न्यूक्लियस होते हैं अलग अलग। फिर स्प्रिंग सीजन आया, यहाँ पे बेसिडियास फॉर्म्स हुए, फिर बेसिडियो स्पोर बना, फिर कॉन्टैक्ट में आकर पिकनीडियोस्पोर बना लिया। फिर क्या हुआ कि अब ये देखिए उसके पिकनीडियोस्पोर के बाद बारबेरी लीफ के लोअर सरफेस पे यहाँ पे ये पिकनीडियोस्पोर फॉर्म हुए और एशिया फॉर्म हुआ, और फिर उसके बाद एसिडियोस्पोर बन गए, और फिर ये पूरी लाइफ साइकिल होती रही। सो ये डायग्राम आई थिंक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आपने मुझे इतने ध्यान से सुना, इतनी देर तक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी अपने घर पे ही रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, और स्टडी कीजिए, और अच्छे से स्टडी कीजिए। और अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। और इसी के साथ मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।